नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। मामला थाना एवं तहसील बिलसी के ग्राम बैन जिला बदायूं का है। पीड़ित विधवा जमुना देवी पत्नी स्वर्गीय मोती, जिसकी जमीन पर गांव के दबंग सर्वेश यादव ने कब्जा कर लिया है, जिसकी एफआईआर लगभग एक महीने पहले उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हो गई, लेकिन आज तक एक माह बीत चुका है, फिर भी बताया जा रहा है कि आपकी कार्रवाई चल रही है। फाइल जिलाधिकारी बदायूं को भेज दी गई है। जब वहां से आदेश आएगा तो आपकी जमीन वापस करा दी जाएगी। एक महीने से उक्त जमुना देवी काफी परेशान है, फिर भी उसकी कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है, इसलिए पीड़ित को योगीराज में भी जमीन वापस मिलने की खास इसलिए पीड़ित को योगीराज में भी जमीन वापस मिलने की आस खत्म होती जा रही है। एक ओर सर्वेश यादव का छोटा भाई देवेश यादव जमुना देवी पर फैसले के लिए दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है, अगर फैसला नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित महिला ने डीएम साहिबा से मिलकर भी जमीन वापस दिलाने के लिए गुहार लगाई है। ऐसी परेशान है कि जैसे हमारी जगह है, जगह पे बारात घर बना लो, इसमें वो सब बैंक बना लीजिए और हमारू नाजान कब्जा है एक भाई का, तो इनने मुकदमा वो कर लो, तब तो हमने मुकदमा डाल दो। किसने? हमने डालो पहले कब्जा किसने कर लिया, किसने बना ली बैंक? सर्विस प्रधान ने। कहाँ के हैं ये? बैन की। आप कहाँ रहती हैं? हम वहीं रहती हैं, बैन रहती हैं। अच्छा अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? बिलसी। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत बात की कहीं? हाँ, हमने गए अरविंद साहब के यहाँ। कब गई? हम गए हो चुके हमें 20-25 दिन हो गए। जी, और थाने पे दी शिकायत? हाँ, थाने पे भी गए। वहाँ क्या हुआ? अब भाई हमारी तो कोई सुनता ही ना है। जी जी। हाँ, इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई तब से? कुछ ना भाई। अच्छा, तो अब ये लोग क्या चाहते हैं? ना तो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जगह छोड़ेंगे और ना हमारा कब्जा दिख पा रहे हैं। अच्छा, कब्जा कर लिया आपकी जमीन संपत्ति सब पर? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ कोई मारपीट किसी तरह का और व्यवहार करते हैं क्या? मारपीट तो हमारी जगह करते हैं, अब हम आए लेकर के तो सरासोलवारी सड़क पे। हाँ। और उनने कहा कि तही हमारे लिए भेज लो। हाँ हाँ। तो वहाँ पे खड़े आदमी तो उनने जा कही कि तमंचा लिखा तो मानने के ताएं जो बुढ़िया के लिए तमंचा से मारा। अरे कौन थे? देवेश। कौन है ये? सर्वेश के? सर्वेश के भाई हैं। अच्छा अच्छा। मेरे भाई खत्म हो गए तो मैं उसके सुगन में वहाँ पे जा रही। जी जी जी। हाँ, तो मैं खड़ी खड़ी वहाँ से चली आई, वापिस लौट के आई हूँ, तभी फिर गई हूँ मैं, ताकि बाद में ध्यानी के ताई आई। अच्छा, तो आज आपने शिकायत की गई? आप हमने कहीं शिकायत ना करी। आज 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 तो हमने डीएम के पास करी। अच्छा, ये बताइए मुझे जिलाधिकारी महोदय ने की आपसे। हाँ।